टोटल वेट 20 किलो 20 किलो स्टील आएगा 6000 रुपए का और हमारी लेबर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टील की ग्रिल कितने रुपए की बनती है, कितने रुपए का स्टील लगता है, हम कारीगर लोग इसको बनाने की कितनी लेबर आपसे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। तो ये जो स्टील की ग्रिल है इसकी हाइट है वैसे तो 3 फिट, लेकिन ये आपके यहीं तक काम में आएगी। इसके नीचे का जो पार्ट है 6 इंच का, ये फर्श के अंदर दब जाएगा, दीवार के अंदर दब जाएगा, ऊपर रहेगी ये सिर्फ 2.5 फिट। इसकी जो लंबाई है 10 फिट है। इसके अंदर 304 ग्रेड का स्टील लगा हुआ है टोटल। ऊपर की जो मेन पाइप है ये है 2x1 की, यहाँ पे आप 1.5x3 की भी लगवा सकते हैं, मर्जी आपकी। इसके बाद ये 5 सूत की राउंड पाइप है, यहाँ पे 1.5x1.5 इंच की स्क्वेयर पाइप है, चौरस पाइप है। यहाँ पे 1.5x10mm की पाइप, बहुत पतली पाइप होती है, यहाँ पे 1.5x10mm की या 3 सूत की पाइप लगी हुई है। तो ये तो हो गया इसका डिजाइन। अभी इसकी लंबाई है 10 फिट। यदि आप इस ग्रिल को हल्के में बनवाना चाहते हैं, कम वेट में, तो यह जो ग्रिल है ये 2 किलो पर रनिंग फिट वेट है इसका। पर रनिंग फिट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये 1 रनिंग फिट हुआ, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो गया, ऐसे करते करते रनिंग फिट मतलब ऐसे लंबाई मापी जाएगी। ये हाइट कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, लंबाई मापी जाएगी, लंबा कितना है। तो 300 रुपये किलो ये स्टील का आज का भाव है, हमारे यहाँ का भाव है 300 रुपये। आपके शहर में क्या भाव है कमेंट में ज़रूर बताएं। और 100 रुपये किलो हमारी लेबर है। ये जो मैंने 100 रुपये केजी लेबर बताई है ये हमारे यहाँ का रेट है, आपके शहर में क्या रेट है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम हो सके कि कहाँ कहाँ क्या क्या रेट चल रहा है। अपने शहर अपने गांव का नाम प्लस अपनी लेबर 100 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है, जितनी भी है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। 300 प्लस 100 मतलब कि 400 रुपये किलो हो गया। अभी इसकी जो लंबाई है वो 10 फिट है और इसमें टोटल वेट हो गया 20 किलो। टोटल वेट 20 किलो 20 किलो स्टील आएगा 6000 रुपए का और हमारी लेबर 20 किलो की 2000 रुपए, मतलब 100 रुपए किलो स्टील की लेबर, 100 रुपए केजी। टोटल कॉस्ट हुई 8000 रुपए। जब 8000 को 10 में डिवाइड करेंगे तो पर रनिंग फिट की कॉस्ट आएगी 800 रुपए। अब इसको आप 4 किलो में बनवाओगे तो 1600 रुपए रनिंग फिट कॉस्ट आ जाएगी। तो ऐसे में आप घर बैठे ही अनुमान लगा सकते हैं आपका जो भी साइज है उसकी। यदि आपको इस तरह की ग्रिल बनवानी है तो उसकी कॉस्ट आपको 800 रुपये आएगी। यदि आपकी हाइट कम है तो वेट भी कम होगा, वेट कम होगा तो आपका प्राइस भी कम हो जाएगा। यदि ये 1.5 फिट हाइट की आपको चाहिए तो लगभग 500 से 600 रुपये रनिंग फिट में आपको मिल जाएगी, क्योंकि वेट कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। इसकी बजाय यदि आप लोहे में चलते हैं, लोहे की ग्रिल बनवाना चाहते हैं, तो लोहे की जो ग्रिल है उसका वेट पर रनिंग फिट में 5 किलो मिनिमम होगा, 5 किलो 500 रुपये की। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लोहे की ग्रिल बनाने की बजाय आज के समय में आपको स्टील की ग्रिल बनवानी चाहिए, जिसमें कि आपको पेंट वेंट का कोई टेंशन नहीं है, कपड़ा मारा साफ, नहीं तो पाउडर है वो मारो साफ। यदि आप लोहे की ग्रिल की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट 8000 रुपए, 10 फिट साइज है। तो आशा करता हूँ आज का यह ज्ञान आपको पसंद आया होगा। बाकी यदि कोई और सवाल है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।